हेलो एंड वेलकम टू लॉन्च पेड आई एस इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यू पी एस सी इंटरव्यू चाहे आप यू पी एस सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज एंड इट इज ऑल्सो वन सच स्टेज जो बहुत ज़्यादा एंगजाइटी देता है बच्चों को पहले दिन से अभी उन्होंने तैयारी स्टार्ट भी नहीं की होती एंड दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इंटरव्यू सो वी टू एड्रेस ऑल द थिंग्स दैट यू नीड के साथ बातचीत करने चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो चाहे वो आई एस हो सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोग वॉट आर देशिक इनग्रीडियंट दैट यू नीड फॉर अ पर्सनैलिटी टेस्ट एंड टू एस पर्सनैलिटी टेस्ट तो क्या कुछ आपको चाहिए सो बेसिकली वी नीड

तो आपको सोचना स्टार्ट शायद कर देना चाहिए कि क्या होगा इंटरव्यू वाले दिन क्या तैयारी होनी चाहिए इंटरव्यू की लेकिन इतना भी नहीं सोचना है कि अभी प्रिलिम्स आपने अपेयर भी नहीं किया एंड यू आर थिंकिंग यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट द इंटरव्यू यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंटरव्यू प्रोसेस राइट सो दीज आर द्री इनग्रीडियंट्स एंड लेट सी कॉन्फिडेंस नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या ये बिल्ड किए जा सकते हैं या नहीं एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव देर इज थिंग दैट कैन नॉट बी इंप्रूव्ड तो आज आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कॉम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है नॉलेज नहीं है यू कैन वर्क ऑन इट एंड एज वी आर डिस्कसिंग इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो समय लगेगा लेकिन आप इसको बेहतर कर सकते हैं सो हाउ डू यू बिल्ड योर नॉलेज नॉलेज किस चीज की बिल्ड करनी है फॉर सिविल सर्विसेस पहले तो ये पता होना चाहिए नॉलेज क्या हमें इन इन जनरल रैंडम हर चीज के बारे में पता होना चाहिए ड इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन आपको पता होना चाहिए थिंग्स विच आर रिलेटेड टू योर फील्ड योर सब्जेक्ट सो द फाउंडेशन ऑफ योर नॉलेज बिल्डिंग प्रोसेस इट इज अ स्टैंडर्ड बुक्स इट इज अज पेपर्स इट इज अ करंट अफेयर डिस्कशन एंड देन इसके अलावा अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं या यूपीएससी में जा रहे हैं आपको अपनी स्टेट के बारे में अपनी सिटी के बारे में अपने होम टाउन के बारे में अपने गाँव के बारे में आपके करियर के बारे में कुछ अधिक जानकारी होनी चाहिए यह आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा सो इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट एंड यू आर नॉट हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करियर फील्ड दैट कैन गो अगेंस्ट यू सो आपकी स्टेट के बारे में आपकी सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए वहां की इकॉनमी वहां की कल्चर uh, वहां का सोसाइटी लैंग्वेजेस डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटल ग्रुप्स दैट रिजाइड इन योर स्टेट इन योर सिटी ये सब चीजें इन जनरल पता होने चाहिए बाकी सारी आप इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स बार बार पढ़ेंगे फ्रॉम पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन साइंस एंड टेक, टेकमेंट सोसाइटी सोशल जस्टिस एथिक्स आपको किस चीज की जानकारी नहीं होगी वंस यू हैव डन विद योर प्रिपरेशन सो इन द बिगिनिंग यू आर नॉट सपोज टू ऑब्सेस अबाउट कि आज ही मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लू नेचुरली ऑर्गेनिक प्रोसेस है जब आप फिल्म और मेन की तैयारी करोगे आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी डेली न्यूज़पेपर आप रीड करोगे इतने सारे आर्टिकल्स रीड करोगे अपने पेयर ग्रुप के साथ डिस्कशन करोगे योर नॉलेज इज बाउंड टू ग्रो सो द फर्स्ट पिलर ऑफ इंटरव्यू प्रेपरेशन दैट इज नॉलेज यू आर गोइंग टू डू दिस बाई रीडिंग बुक्स एंड न्यूज एंड शायद ये सबसे आसान चीज़ है करना नॉलेज बिल्ड करना सबसे आसान चीज है सब कर लेंगे सबके पास किताबें हैं बैठ के ऑन अ टेबल एंड अ चेयर यू कैन क्रांड थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट डिफिकल्ट पार्ट इज हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस मेनी ऑफ यू नो कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है एक स्टेज पर खड़े होने का चार व्यक्तियों में बात अपनी रखने का तो इसको बिल्ड करना आसान नहीं है यू फील वेरी स्कैड एंशियस वेन यू ट्राई टू डू दैट एवरीबडी ट्राइज दैट हर व्यक्ति कभी ना कभी लाइफ में कोशिश करता है कि शायद मैं भी बोल पाता मैं भी कॉन्फिडेंट हो पाता काश ऐसा एक फेज आ जाए कि मैं किसी भी कमरे में वॉक इन करूं किसी भी स्टेज पर चढ़ जाऊं और मुझे वो अंदर से डर फील ना हो आई कैन प्रोमिस यू ऐसा कोई ह्यूमन बींग नहीं है कोई भी इंसान नहीं है कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसको कभी भी एंगजाइटी फील ना हो इफ समबडी इज कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड पीपल मे बी इफ यू गिव दैट पर्सन अ स्टेज स जो है थोड़ा सा तो शेक हो जाएगा कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कुछ नहीं होते, Difference क्या है? कि जो confident होते हैं कभी ना कभी लाइफ में उन्होंने थोड़ा करेज शो किया उन्होंने अपने डर को सहकर स्टिल उस चीज को करने का फैसला ले लिया जो उनको डरा रही है दैट बिल्ड कॉन्फिडेंस राइट नाउ इट इज अ पर्सनल डिसीजन जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज होती है यू you नो know, दैट इज नॉट शैलो आपके पास ज्ञान है आपका जो मन है वो खाली नहीं है तो पहला स्टेप जो है वो नॉलेज ही है जब आपके पास चार चीज़ों के बारे में जानकारी होगी आपको पता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है सोसाइटी में क्या चल रहा है यू हैव समथिंग टू पुट ऑन द टेबल समथिंग टू ब्रिंक ऑन द टेबल आपको पता है कि मेरे पास चार ऐसी चीजें हैं कहने वाली कि जो मैं अगर कहूँगा मेरी रिस्पेक्ट होगी तो पहला स्टेप तो आपके पास यहां से आ जाता है कि आप थोड़ी नॉलेज गेन करते हैं दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गेनिंग कॉन्फिडेंस देन वॉट कैन यू डू यू कैन वॉलंटियर योर सेल्फ आप कुछ ऐसी चीजों में हिस्सा लें, जैसे प्रेजेंटेशन आर इंस्टीट्यूट वी इन्वाइट ऑल आर स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दे कैन कम ओवर डरिंग द प्रेजेंटेशन डे क्या होता है स्टूडेंट एंड दे ट्राई टू स्पीक घर से ही नहीं आएगा उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते आर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनी इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इट इज फॉर यू टू अप दैट ऑपर्चुनिटी एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस आप अगर ऐसे अवसर को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता यू आर सपोज टू हेल्प यूर से भी आपको मौका मिले गो टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज जहां पर चाहे आपको कितना ही डर लगे आपको बोलना पड़ेगा आप, आपका उस दिन जिस दिन इवेंट होगा जाने का मन नहीं करेगा स्टिल गो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा

फिर आपको पार्लियमेंट्री इवेंट्स होते रहते हैं राइट यूथ पार्लियामेंट मॉडल यूनाइटेड नेशन एंड ऑल दीज इट्स उसमें अगर आप पार्ट ले सकते हैं तो वहां पर जाके आप एक लार्जर ऑडियंस के सामने बोल पाएंगे देन फाइनल इट इज मॉक इंटरव्यूज प्रॉब्लम इज मॉक इंटरव्यूज सबके लिए अवेलेबल होंगे जो मेन्स अपना क्रैक कर लेंगे बट मॉक इंटरव्यूज में भी यू विल बी एबल टू से समथिंग इफ यूल बी बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी अप टू दैट लेवल अदरवाइज आप इतने ज्यादा नर्वस हो जाएंगे आप घर से कुछ और सोच के जाओगे वहां पर इंटरव्यू पैनल के सामने कुछ और ही निकल जाएगा आपकी टोन कैसी है कई बार आप खुद जज नहीं कर पाओगे समटाइम्स योर टोन इज डिस एंड यू डोंट नो दैट समटाइम्स योर टोन इज ऐसी आपकी टोन निकलती है आपको नहीं समझ में आती ये चीज तो आप जब दोगे, पार्लियामेंट्री इवेंट डिस्कशन करोगे विद पेयर क्रोप्स दैट विल टेक यू टू दैट लेवल कि आप मॉक इंटरव्यू का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ जाके आप बैठ जाओगे उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा और मॉक इंटरव्यू का भी फायदा उसी बच्चे को ज्यादा होगा जो एटलीस्ट बोल पाएगा अगर आप हमेशा पूरी लाइफ छुपते रहें ऐसे स्टेजेस से ऐसे डिस्कशन से बिकॉज यू वर नर्वस यूल नॉट बी एबल टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ मॉक इंटरव्यूज एंड मे बी आपके मेन्स के स्कोर अच्छे हो जाए इंटरव्यू में यू स्कोर वेरी बैड बिकॉज ऑफ दीज रीजन बिकॉज ऑफ नॉट ओवरकमिंग योर ऑफ़ स्पीकिंग आउट एंड बेसिकली बातचीत करनी है आप अपने मन को यह समझाओ कि सिर्फ बातचीत करनी है शुरुआत करेंगे दो व्यक्तियों से तीन से लार्जर ऑडियंस होती जाएगी एंड देन मॉक इंटरव्यू इज ऑब्वियसली मच नीडेड एंड द बेस्ट वे टू बिल्ड कॉन्फिडेंस राइट आफ्टर नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस कॉम्युनिकेशन स्किल्स मैंने बात कही कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर नर्वस बट स्टिलेज एंड वो बोलने की कोशिश करते हैं जब वो बोलने की कोशिश करते हैं उनके हिसाब से वो सब कुछ अच्छा बोल रहे हैं बट दे आर वेरी डिसरेस्पेक्टफुल टू एवरीबडी अराउंड इन द रूम एंड वेन यूर गिविंग एन इंटरव्यू टू अ वेरी सीनियर पैनल जिसकी एज फिफ्टी सिक्सटीज और बियॉन्ड है वहां पर जब आपकी ऐसी टोन निकल आई दैट यू आर डिस बिकॉज यू हैड हैबिट ऑफ टॉकिंग लाइक दैट टू 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 योर 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 फैमिली फ्रेंड्स क्लासमेट्स तो उस इंटरव्यू पैनल पे ये बिल्कुल भी बेयर नहीं किया जाएगा योर टोन शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल अगर आपको सामने से कोई बात बताई जा रही है तो आप उसको सुनो मेनी पीपल दे डू नॉट हैव दिस पेशेंस उनसे रुका नहीं जाता है कि अगला व्यक्ति अपनी बात पूरी कर ले पहली जवाब तैयार होता है राइट सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू बी बिग गुड लिस्नर पहली चीज है कि आप एक अच्छे लिस्नर बनेंगे सुनना सीखना पड़ेगा एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सुनने वाला बेहतर होना पड़ेगा देन यू आर सपोज टू बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल वाइल स्पीकिंग यू कैन नॉट रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट एनी वन आपको बहुत इज्जत से अपनी बात रखनी है बहुत इज्जत से किसी की बात सुननी है दैट इज हाउ एन एडमिनिस्ट्रेटर ज हाउ यू आर सपोज टू टॉक टू योर एल्डर्स राइट एंड देखो अल्टीमेटली इट इज पार्ट ऑफ आर कल्चर आप इस चीज से एग्री करते और नहीं एग्री करते लेकिन जो सामने सुनने वाला है आपके इंटरव्यू पैनल पे वो बहुत एक आपसे डबल या ट्रिपल एज का व्यक्ति है सो दे एक्सपेक्ट द बेसिक थिंग रिस्पेक्ट एंड वट आई एम ट्राइंग टू से कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं जब आप ये खुद को रिकग्नाइज करोगे रियलाइज करोगे कि मेरे बोलने चालने में ये गलती है मैं इसको सुधारू राइट देन यू आर सपोज टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी बॉडी लैंग्वेज मेनी पीपल दे ट्राई टू टॉक विद देयर एक्सप्रेशंस जस्ट गिविंग एन एग्जांपल लाइक स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में आपको मैं उनकी एग्जाम्पल देता हूँ कई बार वो बाकी स्टूडेंट्स से बड़े डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं जो मैंने आपको पहले बात की अगर उनसे कोई डिसएग्री करता है वो सह नहीं पाते कि मेरे से अलग कैसे कोई सोच रहे मैं ही सही होऊंगा ये व्यक्ति कितना गुस्सा अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है या फिर वो अपनी बात कह नहीं पाते उनको शब्द नहीं मिलते तो एक्सप्रेशन से इस तरीके से दे ट्राई टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड लाइक स्टूडेंट आस्ट यू क्वेश्चन आप उसको समझाते हो उसको अगर समझ में नहीं आया या फिर वो इस चीज से एग्री नहीं करता स्टूडेंट so, बदले में क्या कहेगा वॉट इज आर आई ट्राइंग टू एबल टू से राइट आपको रियलाइज नहीं होगा आदत है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है सारी लाइफ जैसे आपने दी है आप वैसे ही इंटरव्यू देने भी पहुंच जाओगे कैन मेक हैंड जेस्टर्स लाइक दिस आप ऐसे कर करके बात नहीं कर सकते आपके लिए डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होगा लेकिन उस व्यक्ति के लिए है सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ बैड बॉडी लैंग्वेज देन हाउ डू यू सेट हाउ डू हाउ डू वॉक इन टू द रूम लाइक आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कुछ लोग जो हैं दे वॉक एंड मेक अ लॉट ऑफ नॉइज विद आवाज करते हुए चलते हैं दैट इज इरिटेटिंग

Naturally, आपकी 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 अच्छे हो चुके आपको इन चीजों का भी ध्यान नहीं नहीं रखना पड़ेगा Nervousness में आप नहीं रख पाओगे आपके आपकी विचार आपकी body language, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चल जाएगा अगर वो नेचुरली अच्छे नहीं है तो बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वेरी नेचुरली यू कम वेरी क्लोज टू योर गोल आप एग्जाम क्रैक करने वाले हो अगर आप इस stage को क्रैक कर लो तो थोड़े से मार्क्स ऊपर या नीचे चले जाएंगे आपकी सारी लाइफ चेंज हो सकती है सो दैट इज गोइंग टू दैट इज बाउंड टू मेक यू वेरी नर्वस सो लेट्स बिल्ड आर पर्सनैलिटीज आर नॉलेज आर कॉम्युनिकेशन स्किल्स बिफोर दैट डे इन वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल मैनर राइट सो आपको जहां भी मौका मिले चाहे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं बी वेरी रिस्पेक्टफुल लिसन टू देम इफ यू डिसएग्री विद देम टेल देम दैट वी कैन एग्री टू डिसएग्री

ये भी जरूरी है अगर आप सच में डेवलप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं कर पाए एटलीस्ट आप इंटरव्यू देते हुए ऐसी कोई चीज प्रेजेंट ना कर दें एनी थिंग डैट इज माइसोजनिस्टिक अगेंस्ट एनी जेंडर अगेंस्ट एनी कम्युनिटी विच इज हैविंग अ डिफरेंट सेक्शुअल ओरिएंटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ आर सोसाइटल डिस्कशंस हमारे समाज की जो आजकल विषय हैं चर्चा में इन्हीं चीजों के ऊपर आपसे बातचीत की जाएगी आपके स्टेट का कोई मसला है वहाँ पर अगर पर कैपिटल इनकम बहुत कम है वहां से लोग बहुत माइग्रेट करते हैं फॉर इंस्टेंस बिहार बिहार से लोग यूपी से लोग उड़ीसा से लोग जाते हैं अगर किसी और स्टेट में काम करने के लिए तो इस बारे में पूछ लिया जाएगा पंजाब से लोग बाहर जाते हैं तो इस बारे के पूछ लिया जाएगा गुजरात में इकॉनमी कैसा काम कर रही है डिफरेंट स्टेट्स के क्या सामाजिक इश्यूज हैं चर्चा में करंट अफेयर के अंदर इन सब चीजों के ऊपर बड़ी एक जनरल डिस्कशन होगी अगर आप वैसे ही अच्छे से न्यूज़पेपर्स वगैरह कवर कर रहे हैं नॉलेज आपको तंग नहीं करेगी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना आप आज भी से स्टार्ट कर दिए जब द, जब भी आपने इंटरव्यू फेस करना है डर बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक टाइम राइट सो दिस वॉज अबाउट हाउ टू अपेयर इन अ नाइस मैनव इंटरव्यू In अब यह भी रेकग्नाइज करने की जरूरत है कि इंटरव्यू लास्ट स्टेज है तो पहले दिन से फिल्म की पढ़ाई अभी नहीं की है शुरू मुकलिस्ट का पता नहीं है यू हैव जीरो इंफॉर्मेशन की तैयारी करते कैसे हैं कैसे कौन सी सर्विसेस है और आप इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज वायरल हो रखी है इसलिए नोट ए गुड आइडिया बट डोंट इग्नोर इट कंप्लीटली एंड डोंट इवन गेट ऑब्सेस्ट अबाउट इट इज अलो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस समय लगेगा अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करने में वो करते रहिए उसके लिए आपको सारा सारा दिन बैठ के अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन लाइव इंटरक्टिव बैचेस एट लॉन्च पेड आई एस यू कैन गेव एस ए कॉल ऑन दीज नंबर इन नंबर को आप नोट करेंगे यहां पर कॉल करेंगे तो आपको स्टूडेंट काउंसिल्स तैयारी कैसे की जाती है हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए कौन से साल में आपको अटेम्प्ट देना चाहिए सारी चीजें तो आपको बताएंगे इसी के साथ दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन मेकिंग दिस बैच अ बिट अफोर्डेबल इससे भी कम प्राइस में आपको प्रस इंटरव्यू की सारी प्रिपरेशन हो जाएगी डेली न्यूज पेपर क्लास होगी हर सुबह आठ बजे इसी यूट्यूब चैनल पर होती है इसके अलावा हर थर्सडे आपका प्रिलिम्स का टेस्ट होगा फ्राइडे को हम आंसर राइटिंग करेंगे

फ यू वॉन्ट टू हैव अ कॉल विद द टीचर्स तो आप उसके बारे में भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू कैन गिवे कॉल ऑन दो नंबर एज वेल सो दैट वॉज अबाउट दिस वीडियो ऐसी और हेल्पफुल वीडियो के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोज के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दैनल एंड इफ दिस वॉज हेल्पफुल मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल डोंट गेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन सो दैट बाकी करंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे See you in the next video. Thank you. Thank you.